अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद। चलें जी, कल रात बारिश हुई है और ये खिड़की मैंने बंद कर दी थी, फिर सुबह खोली है तो माशाल्लाह आज देखें टेम्परेचर बहुत बेहतर है, 32 तक है और 12:30 हो चुके हैं और हवा भी ठंडी इधर से उस खिड़की से निकलकर इधर क्रॉसिंग हो रही है। तो चलें जी, आज हमारा दिन आ चुका है। मैंने ये पकड़ ली है अपनी थैली, आप समझ गए होंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम लोग जनाब इसको करने जा रहे हैं तीनों बच्चों को वहाँ पे छोड़ने, हमारे फ्लाइंग केज में, ताकि वहाँ पे ये फल फूल सकें। देखें माशाल्लाह इनकी बीक्स भी अब थोड़ा थोड़ा जो है वो होना शुरू हो गई हैं वाइट, तो हम इनको करेंगे अलहदा ताकि मेल फीमेल दोबारा जो है ना वो एग लाइन पे जा सके, तो हम उनको देंगे टाइम। मैंने बॉक्स अंदर से निकाल कर बाहर आज फिक्स किए, तो इनको हम दे देंगे फिर। नेस्टिंग वगैरह काफ़ी नीचे पड़ी हुई है, मैंने दी भी थी लेकिन बच्चों की वजह से ये शायद अग्रेसिव हैं थोड़े से, तो बच्चों को बड़े केज में छोड़ने का फ़ायदा ये होता है कि ये सही तरह वहाँ पर अपनी ग्रोथ करते हैं और काफ़ी बड़े हो जाएँ तो फिर ये वहाँ से साइज़ का जो है ना वो लाजमी इनक्रीज़ होता है। अब साइज़ के लिए इसको लाजमी वहाँ पे दें ताकि ये अच्छा उड़ सकें। स्टेमिना इनका इम्यून सिस्टम वो हो जाता है वेरी स्ट्रॉन्ग जब तक इन्होंने एडल्ट होना है, तो 2-3 महीने हम वहीं पे रखेंगे। अक्टूबर में ये भी ब्रीड पे आ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह इसकी पेयरिंग करेंगे। तो हम लोग, मैं पकड़ता हूँ ये तीनों, एक वो बेबी है नीचे, एक साथ में ऑरेंज वाला है और एक ये जो अपने बाप पे लाइट बैक है, शायद ये फीमेल लग रही है, तो इन तीनों को हम पकड़ते हैं वन बाय वन, इस थैली में डालते हैं और फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट नीचे जहाँ पे जाके हम इसको छोड़ेंगे। तो मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा टाइट क्योंकि ये थैली जो है ना ये डेंजरस टाइप है थोड़ी सी। ओके, सो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। बस ये आ गया जी ऑरेंज वाला हमारे हाथ में, मैं इसको रखता हूँ थोड़ा सा इधर, इसको करते हैं हम डाउन ताकि, ठीक है जी। अब चलते हैं सेकंड वाला, सेकंड भी हमने पकड़ लिया माशाल्लाह, अच्छा है ये भी। हम करते हैं यहाँ पे और मैं इसको डालता हूँ, थैली के अंदर दो हो गए। अब पकड़ते हैं हम तीसरा जो माँ बाप के साथ बैठा है, ये तीसरा भी हमने पकड़ लिया। अब मैं इसको इधर रख के, चलें जी हमने पकड़ लिया हुआ तीनों को माशाल्लाह थैली के अंदर है, और ये वाला थोड़ा सा हम कर देंगे सेट, और पीछे रह गया ये पेयर ऑरेंज की फीमेल हमारी, और मेल जो है वो ब्लैक ब्रस्टेड स्प्लिट बीसी है और ऑरेंज का भी खासा इसमें ब्लड है, स्प्लिट है, तो इसलिए इन्होंने ओबीबी भी निकाला है। तो चलें जी नीचे लेके चलते हैं, इनको देते हैं रेस्ट और फिर नीचे जा दो इसको अपना फ्लाइंग केज, इसको तो हमने रखना है। और ये तार जो जुगाड़ लगाया हुआ है हमने,
बाल का हम कर देते हैं फिक्स। कल भी नहीं आया वो दरवाजे वाला, उसको मैंने बोला था कि यार आके पहले ये फिक्स कर दो। खैर कह रहा है आज लाजमी आऊँगा, कल अंधेरी और वो बारिश थी शाम को, इस वजह से उसको थोड़ा सा हो गया। जी मिलते हैं हम लोग जी। पुराना बेडरूम हमारा, पुराना बेडरूम हमारा, चलें जी यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी है, लेकिन फ्लाइंग केज देखें माशाल्लाह ठीक है हमारा, बहुत से मेल हैं इसके अंदर, हम छोड़ते हैं वन बाय वन। आ गया, हम रखते हैं इधर। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये ऑरेंज वाला आया माशाल्लाह हाथ में, देखें ऊपर जाके बैठ गया। आपको मैंने दिखा वन बाय वन, ये दूसरे भी, बस ये देख ये वाला। वो कह रहा है इतने बड़े केज में, ये लाल आ जाओ देख, ये देख उड़ जा यार, उधर को इधर को नहीं हो गया तो माश देख, उड़ जा यार, उधर को इधर को नहीं हो गया माशाल्लाह। आप आके दिखाता हूँ, एक तो ये बैठा है गोल्ड साथ, चलेंगे और वो बैठे हैं, एक से तो था नहीं जा रहा ये, एक ही तो स्लिप करी, इसको टाइम लगेगा क्या नहीं। देखो एक वो आगे थर्ड नंबर पे, ये दरमियान में बैठे ये वाला जो ब्लैक चिक के साथ है वन, ये सबसे छोटा था तो हो जाएगा इंशाल्लाह सेट। ये और माशाल्लाह तो और इनका काफ़ी हाथ बेहतर हो। फिर चलते हैं, थोड़ी सी है नीचे, इनको मैं के लिए दूंगा पानी जो ब्लैक चिक के साथ है वन, ये सबसे छोटा था तो हो जाएगा इंशाल्लाह सेट। ये और माशाल्लाह तो और इनका काफ़ी हाथ बेहतर हो। फिर चलते हैं, थोड़ी सी है नीचे, इनको मैं के लिए दूंगा पानी करो। फिर चलते हैं, थोड़ी सी है नीचे, इनको मैं के लिए दूंगा पानी, थोड़ी सी है नीचे, इनको मैं के लिए दूंगा पानी, के लिए दूंगा पानी।